तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे फोर्स ट्रेवलर कार्गो व्हीकल के बारे में। जो आशीष जी आपका स्वागत करने के साथ साथ ये पूछना चाहते हैं कि ये गाड़ी हमें ऑन रोड इंदौर में कितने की पड़ेगी, अगर आप एक्स शोरूम प्राइसेस भी बता देंगे वही हमारे लिए काफी होंगे। ये सर, मैं एक्स शोरूम अगर इसका प्राइस बताऊं तो सर 3350 जो व्हील बेस जो गाड़ी होती है हमारी डिलीवरी के 12,62,000 की एक्स शोरूम प्राइस है। 12,62,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। दोस्तों ऑन रोड प्राइसेस के बारे में हम आपको इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि शहर और राज्य के अनुसार टैक्सेस वगैरह लगा करके ऑन रोड प्राइस कितना पड़ते हैं वो थोड़ा वेरी करते हैं। चलिए सर, नई गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। 2.6 लीटर इंजन के साथ में आती है सर ये भी। ट्रैवलर का ब्रांडिंग कर रखा है। हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हैं FM 2.6 फोर्स मोटर्स 2.6 कॉमन रेल के साथ। ओके, ब्रांडिंग कर रखी हुई है। और ये भी चीज़ आप देख सकते हैं सर, अभी जो ट्रैवलर का कॉमन है इसमें भी आप थोड़ा सा आगे का पोर्शन जो है ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जो कि BS4 की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हुआ हमें दिखता है क्योंकि कुछ अटैचमेंट आगे की साइड में लगाए गए हैं। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 16 इंच के ट्यूब टायर मिलते हैं, रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलेंगे आपको यहाँ पर। और इसका व्हील बेस कितना है सर? 3350 व्हील बेस के अंदर आती है ट्रैवलर। और 3350 जो कि व्हील बेस आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, उसके बाद में 3700 व्हील बेस आता है सर, उसके बाद में T1 में 40-20 व्हील बेस और T2 में 40-20 व्हील बेस। ओके, तो दोस्तों हमारे सामने है ये वाली गाड़ी, इसके बारे में हम फिलहाल बात करेंगे। हालांकि सर ने कई प्रकार के जो व्हील बेस आते हैं उसके बारे में जानकारी दे दी है। पीछे से हमें कार्गो कुछ इस तरह की दिखती है क्योंकि कार्गो गाड़ी है, तो सबसे पहले हम इसके जो कार्गो एरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेल लैंप्स आपको यहाँ पर काफ़ी बड़े सारे और खूबसूरत मिलते ही है, और फोर्स की बैजिंग मिलेगी क्रोम फिनिश के साथ में। साथ ही मिलता है ट्रैवलर ABS की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि ABS फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। BS6 का मोनो भी मिल जाता है आपको यहाँ पर। साथ ही दोस्तों सामान रखते समय आपको ऊपर चढ़ने के लिए फुटरेस्ट स्टेप मिलेगा, नीचे ही आपको स्पेयर व्हील मिलता है, और कुछ इस तरह से आपको जो है इसका ये आपको यहाँ से जो है इसका ये मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे की साइड में आपको फ्लैट पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर इसके अंदर कार्गो बॉडी एरिया मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं सर, 270 डिग्री पे ओके ओपन हो जाता है। ओके, तो ये आपको हर गाड़ी के अंदर मिलती है सुविधा, वो सुविधा आपको यहाँ पर भी मिलती है। कुछ इस तरह से आप अपने पीछे वाले जो डोर हैं इनको लॉक कर सकते हैं। हाँ जी, इसको कैचर के द्वारा हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं। चलिए दोस्तों अंदर की बात करते हैं। सबसे पहले इस तरह का आपको यहाँ पर फ्लैट इसका पूरा का पूरा इंटीरियर मिलता है, जहाँ पर आप काफ़ी सारे सामान है जैसे कि साग भाजी लेके जाना है या दवाई वगैरह लेके जानी है या बहुत सारे जो भी आपको लेके जाने। देखा जाए तो सर हमारे जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं ओके, जैसे आइसक्रीम पार्लर वाले हुए, हाँ, तो फ्रोजन प्रोडक्ट जैसे सफर मटर्स हुआ ओके, उन लोगों का सर ये बेसिकली हमारा जो मॉडल है, ये बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट है सर, अलग ही कॉन्सेप्ट है और अनकॉमन चीज है सर। अनकॉमन चीज है, बहुत अलग अनकॉमन, मतलब जो हमारा फोर्स मोटर्स का एक प्रोडक्ट है। हाँ जी, डिलीवरी वैन के नाम से इसको जाना जाता है। साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ये पूरा शीट लगा करके इसको कवर किया गया है, और वहाँ पर जो है ड्राइवर का जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी बनी रहे उसके लिए ग्रिल बीच में डाली गई है, जिससे कि सामान वगैरह की पार्टीशन करा गया है। तो काफ़ी सारा स्पेस मिलता है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इसका वैनिटी वैन भी बनवा सकते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार्स वगैरह जो बनवाते हैं वैनिटी वैन वगैरह भी आप बनवा सकते हैं इसकी, मुझे अच्छा याद आया। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसके अंदर आपको 70 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, 70 लीटर का, जो कि हर ट्रेलवर के अंदर मिलता है। सस्पेंशन हमें यहाँ पर सर हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है पीछे की साइड में, और आगे मिलता है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर्स के साथ में। और इस तरह की यहाँ पर जो है हमें ड्राइवर साइड की एंट्री गेट मिलता है, कुछ इस तरह से आप यहां से इसको लॉक करके अपना गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं। और यहां पर डोर के ऊपर आप देख सकते हैं पानी की बोतल रखने के लिए जगह है, और बड़ा सारा ग्रैब हैंडल है, और यहां पर जो है ड्राइवर की सीट है इसको एडजस्टमेंट मिलता है, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं आप। सर आप बैठ के बता दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप गाड़ी के अंदर एंट्री लेंगे, और यहाँ पर आपको जो सीट है दोस्तों ओके ठीक है, साथ ही आपको हेडरेस्ट वगैरह भी मिल जाता है ड्राइविंग करने के दौरान आपको थकावट हो तो, और ऊपर की साइड में आपको जो है इसकी फिनिश काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन दी गई है, सनवाइजर वगैरह भी मिलते हैं, लाइट्स मिलती है। और यहाँ पर हमें इसके अंदर पावर स्टीयरिंग मिलता है सर, यस सर पावर स्टीयरिंग मिलेगा दोस्तों इस तरह का कुछ। और अगर हम इसके डैशबोर्ड को थोड़ा ऑन कर दें सर, हल्का सा चाबी को ऑन करके, तो इसके डैशबोर्ड को भी दिखा देता हूँ दोस्तों। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर जो है कलरफुल इसका डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको बीच में मिलता है इसके अंदर काफ़ी बड़ा सारा स्पीडोमीटर, लेफ्ट में मिलता है RPM मीटर, और राइट में मिलेगा आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक वगैरह, फ्यूल गेज वगैरह कितना मिलता है, या फिर आपको यहाँ पर टाइमर वगैरह भी, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसके फ्यूज करेक्शन बॉक्स, अगर आपको कभी चेक जाँच पड़ताल करनी है तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों आपको दूसरी साइड से भी दिखा देते हैं कि गाड़ी के अंदर हमें वहाँ से किस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। सर इसके अंदर एडब्लू डालना पड़ता है ना हमें? जी सर, इसके अंदर 23 लीटर का आपको एडब्लू डालना पड़ेगा। और सामने की साइड में मिलता है इसका बोनट, जिसको कि आप यहाँ से खोल करके अपने इंजन की जाँच पड़ताल कर सकते हैं। तो पूरन सर इसके बोनट को जरा खोल के बताइएगा। सामने की साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं हर गाड़ी की तरह आपको फोर्स की बैजिंग मिलेगी, एफ लोगो मिलेगा, और यहाँ से आपको जो है इसका बोनट ओपन करने का प्रोविजन मिल जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर 2.6 लीटर फोर सिलेंडर इंजन मिलेगा, BS6 इंजन, जिससे अगर हम पावर की बात करें तो इससे सर हमें पावर कितना मिलता है? 115 हॉर्स पावर का पावर मिलेगा, और टॉर्क 350 Nm के आसपास का टॉर्क मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये टर्बो के साथ में आता है इंजन, पीछे लगा हुआ है इसके अंदर डेफ जो एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम वगैरह जो भी लगाया गया है, ओके। लाइट यहाँ पर दी गई है दोस्तों, अगर आपको नाइट वगैरह के समय में कभी इंजन की जांच पड़ताल करनी हो तो आपको टॉर्च चलाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की सुविधाओं से लैस है हमारी नई ट्रैवलर 2.6 डिलीवरी वैन के नाम से आने वाली गाड़ी। और यह है इसका आपको पैसेंजर साइड का स्पेस, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको लुक मिलता है। और गाड़ी का इंटीरियर सीटिंग कैपेसिटी आप देखें सर तो 1+1 है, 1+ ठीक है, लेग स्पेस अच्छा दे रखा है सर, ठीक है, राइड अच्छी हुई है, ओके। और यहाँ पर सर ये गाड़ी एयर कंडीशन के साथ में भी अगर ऑप्शनली लेना चाहे तो मैनुअल ऑप्शन से सर आप इसमें बाहर से लगवा सकते हो। अगर आप चाहें तो कंपनी के द्वारा भी आपको एसी प्रोविजन के साथ में ये गाड़ी आई थिंक मिलती होगी ऑप्शनली। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है ट्रेवलर, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। और यहाँ पर क्या बता रहे थे सर आप? यहाँ को ड्राइवर के पास में देखेंगे तो सर हमने यहाँ पे कटआउट दे रखा, जिससे गाड़ी का पूरा इग्निशन ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों यही थी सब जानकारी नई डिलीवरी वैन फोर्स ट्रेवलर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अब सर आप इसके जो प्राइस आपने बताई दिए हैं 12,62,000 रुपये हैं, माइलेज कितना मिलेगा सर नई गाड़ी से? सर माइलेज इसमें आपको 10 से 12 तक का माइलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं हम यहीं समाप्त और लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चाहते हैं इन गाड़ियों को खरीदना इंदौर या इंदौर के आसपास से तो आप कहां संपर्क कर सकते हैं सर हमें? फोर्स मोटर के पे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।